लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी की राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना भाजपा के लिए बड़ा दांव हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 में किए सबसे बड़े चुनावी वादे समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति भवन से इसकी सूचना शासन को भेज दी है। अब उत्तराखंड यूसीसी कानून को लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन रहा है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए नियमों उपनियमों को बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। कानून लागू करने के लिए नियम बनाने वाली 5 सदस्यों की कमेटी में पूर्व IAS शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। यह कमेटी जल्द ही एक मीटिंग कर यूसीसी कानून लागू करने के लिए आवश्यक नियम उपनियम बनाने का काम शुरू करेगी। नियमावली बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण और CAA कानून लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता को लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए बड़ा दाव माना जा रहा है। पार्टी को इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 1.5 साल पहले जनता के सामने सरकार बनने पर राज्य में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया था। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया था। CM द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक में 392 धाराएं थी। इस विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया। कुल 192 पृष्ठों के विधेयक में 4 खंडों विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिविंग रिलेशनशिप इत्यादि में विभाजित किया गया था। लिया जाए UCC के इस बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है। इस कानून के बाद अब प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक एक कानूनी छत के नीचे आ सकेंगे। दोस्तों, आप UCC के बारे में क्या सोचते हैं? क्या BJP के लिए आगामी चुनाव में यह निर्णय ब्लॉकबस्टर साबित होगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।